नमस्कार दृष्टि आई एस के टुडेज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं पहला प्रश्न है खबरों में रहे कृष्ण देव राय का संबंध है इसका सही जवाब है विजयनगर साम्राज्य से अगला प्रश्न है दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है इसका सही जवाब है गुलमर्ग अगला प्रश्न है हाल ही में झारखंड के किस जिले में कम से कम 900 साल पुराना बौद्ध मठ पाया गया है इसका सही जवाब है हजारीबाग अगला प्रश्न है सोलहवें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन फिक्की निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है इसका सही जवाब है ए और बी दोनों यानी शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अगला प्रश्न है आपके द्वार आयुष्मान अभियान किस राज्य में शुरू होने वाला है इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश अगला प्रश्न है सिटी इनोवेशन एक्सचेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है इसका सही जवाब है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय अगला प्रश्न है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की थीम क्या है इसका सही जवाब है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है इसका सही जवाब है चिनाब अगला प्रश्न है बाल हृदय योजना के अंतर्गत बच्चों का इलाज कराने के लिए बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है इसका सही जवाब है प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद अंतिम प्रश्न है भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा इसका सही जवाब है दिल्ली शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न हाल ही में माइकल सोमारे का निधन हो गया बताइए वह किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे फ्रांस घाना पापुआ न्यू गिनी या फिर ब्राजील इसका सही जवाब ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी बीते दिनों माइकल सोमारे का चौरासी वर्ष की उम्र में निधन हो गया वह पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे उन्हें पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रपिता कहा जाता है उनके नेतृत्व में ही 1975 में पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से आजाद हुआ था वह पापुआ न्यू गिनी के चार बार प्रधानमंत्री रहे थे तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आज के सेशन का पहला प्रश्न है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कैरेकल को किस सूची में शामिल किया है एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड नियर थ्रेटर्ड या फिर वलनरेबल इसका सही जवाब ऑप्शन बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कैरेकल को क्रिटिकली एंडेंजर्ड सूची में शामिल किया है हालांकि इसका आई स्टेटस अभी लीस्ट कंसर्न ही है कैरेकल मध्यम आकार की एक जंगली बिल्ली है भारत में इसे सियागोश कहते हैं ये भारत में राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है ये भारत के अलावा अफ्रीका मध्य पूर्व सेंट्रल एवं दक्षिण एशिया के कुछ देशों में पाई जाती है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अगला प्रश्न है खबरों में रहा नेंद्रन किस फल की किस्म है सेब केला अमरूद या फिर अंगूर इसका सही जवाब ऑप्शन बी केला भारत से केला की नेंद्रन किस्म का निर्यात यूरोप किया जाएगा सामान्यतः भारत से इसका निर्यात खाड़ी देशों को किया जाता है लेकिन अब यूरोपीय देशों में भी इसका निर्यात किया जाएगा सामान्यतः तो लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा नियंत्रण केला का निर्यात यूरोपीय देशों को किया जाता था यूरोपीय देशों में लैटिन अमेरिकी देशों द्वारा निर्यात होने वाले केले की कमी के कारण भारत से इसकी मांग बढ़ी है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अगला प्रश्न है सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है बहराइच बस्ती पटना या फिर नोएडा इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नोएडा केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया नोएडा हार्ट में 26 फरवरी से शुरू हुआ यह मेला 14 मार्च तक चलेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस मेले का आयोजन किया जा रहा है इस मेले में सत्ताईस राज्यों ऐसी तीन सौ अधिक स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पी भाग ले रहे हैं इस मेले के दौरान उत्पादों की पैकेजिंग और डिजाइन संचार संबंधी कुशलता सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार और बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग संबंधी ट्रेनिंग के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है इसमें ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों और हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी अगला प्रश्न है शाइनिंग वर्ल्ड कम्पेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है कैसपर होम ट्रस्ट सलाम बालक ट्रस्ट सम्मान फाउंडेशन या फिर उदय फाउंडेशन इसका सही जवाब ऑप्शन ए कैस्पर होम ट्रस्ट आगरा के कैस्पर होम ट्रस्ट को शाइनिंग वर्ल्ड कम्पैशन अवार्ड से सम्मानित किया गया लॉकडाउन के दौरान पशुओं के अधिकार एवं कल्याण के लिए किए गए सराहनीय कार्य के लिए इस संगठन को यह पुरस्कार मिला सुप्रीम मास्टर चिंग हाई इंटरनेशनल एसोसिएशन द्वारा यह पुरस्कार दिया गया कैस्पर होम ट्रस्ट एक पशु कल्याण संगठन है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अगला प्रश्न है सैरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया जाएगा श्री प्रकाश जावड़ेकर मेधा पाटेकर श्री नरेंद्र मोदी या फिर श्री जय राम रमेश इसका सही जवाब ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी सरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा सैरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन 1 मार्च से पाँच मार्च तक वर्चुअल फॉर्म में होगा इस सम्मेलन का आयोजन आईएचएस मार्केट द्वारा किया जा रहा है प्रधानमंत्री को ऊर्जा और पर्यावरण में सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में नम्मा कार्गो सर्विस शुरू की गई असम पश्चिम बंगाल कर्नाटक या फिर बिहार इसका सही जवाब ऑप्शन सी कर्नाटक हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा ने नम्मा कार्गो की शुरुआत की यह एक पार्सल एवं कार्गो सर्विस है यह है सर्विस कर्नाटक सहित आंध्र प्रदेश तेलंगाना गोवा महाराष्ट्र केरल तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में लागू की जा रही है पहले चरण में इस सर्विस के तहत उपरुक्त राज्यों के कुछ बस स्टैंड तालुका आदि कवर कर लिए गए हैं अनुमान है कि इस पार्सल सर्विस से प्रतिवर्ष सत्तर से अस्सी करोड़ रुपए लगेज राजस्व उत्पन्न होगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी अगला प्रश्न है मैरी डब्ल्यू जैक्सन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है नासा जाक्सा यूरोपीय स्पेस एजेंसी या फिर कॉस्मोस। इसका सही जवाब ऑप्शन ए नासा हाल ही में नासा ने अपने वॉशिंगटन मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा है मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी उन्होंने नासा के लिए चौतीस वर्षो तक काम किया था दो में तिरासी वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गयी थी 2019 में उन्हें मरणोप्रांत अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉन्ग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन के जन्म दिवस को मराठी भाषा गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है श्री एच आर कुसुम कुसुमाग्रज बालाजी सुतार या फिर संजय माने इसका सही जवाब ऑप्शन बी कुसुम आग्रज आज मराठी भाषा गौरव दिवस मनाया जा रहा है मराठी भाषा के श्रेष्ठ कवि विष्णु वामन शिरवाडकर के जन्म दिवस को मराठी भाषा गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है वह कुसुम माग्रज के नाम से लोकप्रिय थे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है माग्रज का मराठी भाषा में अतुलनीय योगदान है इस अतुलनीय योगदान के कारण ही श्री कुसुम आग्रज के जन्म दिवस को मराठी भाषा गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अगला प्रश्न है लैंटन फेस्टिवल किस देश का पारंपरिक उत्सव है चीन जापान वियतनाम या फिर पाकिस्तान इसका सही जवाब ऑप्शन ए चीन हाल ही में चीन ने अपना पारंपरिक लैंटन फेस्टिवल धूमधाम से मनाया यह पर्व चीन के पहले लूनर मंथ के पंद्रहवें दिन मनाया जाता है यह है उत्सव चीनी नव वर्ष सेलिब्रेशन का अंत माना जाता है आपको बता दें कि चीनी कैलेंडर के अनुसार 2021 का वर्ष बैल का वर्ष निर्धारित किया गया है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए अंतिम प्रश्न है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने निम्नलिखित में से किन्हें साल 2019 का भारत भारती सम्मान दिए जाने की घोषणा की है डॉक्टर सूर्य श्री दयानंद पांडे श्री तरुण विजय या फिर श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्र इसका सही जवाब ऑप्शन ए डॉक्टर सूर्यबाला उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साल 2019 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है सर्वोच्च सम्मान भारत भारती सम्मान के लिए मुंबई की लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला का चयन किया गया है लखनऊ के दयानंद पांडे को लोहिया साहित्य सम्मान के लिए चुना गया इसके अलावा दिल्ली के तरुण विजय को हिंदी गौरव सम्मान एवं भोपाल के डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्रा को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की खबरों में रहा एमेजोनिया वन किस देश का उपग्रह है भारत ब्राजील अमेरिका या फिर अर्मेनिया इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड